पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, और हमने एक LHB टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी बहुत पहले, और अभी एक वंदे भारत की टेक्नोलॉजी 2019 में हमने इंट्रोड्यूस की है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू एक बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाली 5% ट्रेन जो है वो भी एडिशनल इस प्रोजेक्ट के तहत चलाई जाएगी। सो बेसिकली ये है कि 95% ट्रेन हम भारतीय रेल चलाती रहेगी, तो जो 95% ट्रेन भारतीय रेल चलाती रहेगी उसमें भी हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारी अपनी फैक्ट्रीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कोचेज बनाएं, और जो हमारी 95% ट्रेन हम चला रहे हैं उसमें भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कोचेज आए। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और मैं आपको जो प्राइस के बारे में आपने बताया कि जो 95% ट्रेनें चलेंगी वो भारतीय रेल चलाएगी, और उसका जो भी टिकट है और यात्री किराया है वो भारतीय रेल फिक्स करेगी। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 95% लोगों के लिए एक एडिशनल फैसिलिटी, अच्छे कोचेस, और जो एक डेफिसिट है जो उसमें पैसेंजर की रिक्वायरमेंट में और जो प्रोवाइड कर पा रहे थे, जो लोग आपको पता है कि कैसे ट्रेनों में लोग लटक के जाते हैं, क्रैम्प होके जाते हैं, उससे निजात मिलेगी उन लोगों को, उसी पैसे पे मिलेगा। तो जो भी कॉमन मैन या जो अगर गरीबों की बात होती है, तो इस प्रोजेक्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा गरीबों को फायदा होने वाला है। आवर टारगेट इज दैट फर्स्ट ट्रेन शुड स्टार्ट रनिंग इन April 2023, एंड बेसिकली द बिडिंग प्रोसेस विच वी हैव इनिशिएटेड, द टाइमलाइन इज सच that we should be able to open the tenders sometime in February, March, finalize sometime in April, and then we will be able to invite requests for proposals.